गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 8 नंबर का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट नींद में हो तो थोड़ा बटाके खोल के जग जाना, क्योंकि आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए। समझ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंप्लीट होगा तो आपके लगभग 11 नंबर तक के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ 12 एंड 13 बाकी बचेगा। समझ गए। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा, उसके डिफरेंट क्या देखे भाई, रेशियो देखे। स्टूडेंट आज की जो थियरी है, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ व्यू देने के लिए वीडियो को ऑन करते हैं, 5-7 मिनट देखते हैं और फिर वीडियो को बंद कर देते हैं। आज का वीडियो देखो, ये चैप्टर सीखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है। समझ गए ना, वरना सम कितने भी करोगे, आज तक का रिकॉर्ड है कि भाई जहां पर ओरिजिनल में चलना चाहिए वहां पर ये चैप्टर चलता है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट आज तक गोथे खा रहे हैं, जब तक मैं न चलाओ तब तक ये चैप्टर किसी को समझ में नहीं आता है। समझ गए ना, आप भी कहीं पर पढ़ लिए होंगे, ये वाला चैप्टर शायद चल भी गया होगा आपका, बट अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये एंगल किधर ले, ये वाला एंगल किधर ले। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा कोई भी वीडियो दी एंड तक देखो, और अब तो आपको 24 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। समझ गए, आपकी पेपर स्टाइल चेंज हो गए। लास्ट ईयर 1616 मार्क का ऑब्जेक्टिव था, ये प्रेजेंट ईयर के अंदर 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। स्टूडेंट समझ गए, और ये चैप्टर ध्यान रखने की ये जरूरत है, आप नसीब वाले हो, कभी कोविड के कारण बहुत कुछ चैप्टर में से जो अच्छे अच्छे सम है वो सारे क्या हो चुके भाई, डिलीट हो चुके। ओनली 1 to 5 और फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं तो आज और कल में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ओनली 2 वीडियो। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे आपको सिखाना है। कभी स्टूडेंट हमारे चैप्टर का हेडिंग है, यानी कि एंड तक वीडियो को देखोगे, आज का वीडियो अक्षर सह सुनोगे और एंड तक देखोगे, क्लियर, तो सब आपके लिए एकदम इजीएस्ट बन जाएगा। क्लियर ना स्टूडेंट। तो हमारे चैप्टर का हेडिंग है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो हम लोग पढ़ गए, बहुत सारी गालियां भी दे दिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कि सारा ये चैप्टर कहां से आ गया, रे आप तो नसीब वाले हो, प्रूव दैट वाले सम निकल गए, वरना दूसरे 200 सम आपको करने पड़ते। समझ गए ना, प्रूव दैट में 200 सम यानी कि आपकी हालत बहुत खराब हो जाती। समझ गए, यानी कि नसीब वाले हो कि भाई प्रूव दैट वाले सम निकल चुके हो, पेपर में कौन सा है उसका कोई ठिकाना कभी भी होता नहीं है, क्लियर। बट अब जो मैंने चलाए उसके अंदर तो ठीक से टेक्स्ट बुक का ईच सम जो भी है 5-5 बार कर लो, उसमें से डिटोज सम आपको बोर्ड की एग्जाम में पेपर में आने वाला है। तो स्टूडेंट हमारा चैप्टर का हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कभी ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर होता है, तो स्टूडेंट जो रोड बनते हैं आपने देखा हो, वो दूरबीन लगा लगा कर रोड बनाने वाले एक वो कोने में खड़ा होता है, दूसरा उससे बहुत दूर खड़ा होता है, यानी कि वहां पर ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। फिर बड़े बड़े रॉक को कट करके रोड बनाना हो तो वहां पर भी एंगल सेट करने पड़ते हैं, उसके लिए किसका यूज होता है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। स्टूडेंट ये चैप्टर को जितना हो सके उतना सिंपल बनाने का मैंने ट्राई किया है कि भाई मेरे वर्ड सुनोगे तो आपके लिए एकदम इजी चैप्टर बन जाएगा।
स्टूडेंट, आप अभी अपनी जगह के ऊपर बैठे हो, मैं जो बोलूं वो करना है। आप अपनी जगह के ऊपर बैठे हो, सामने वॉल के ऊपर आप देखोगे या तो ट्यूबलाइट है, या तो पंसाई में ये व्हाइट बोर्ड है, या तो क्या है, आपके रूम के अंदर देखो यहां पर मत देखो, आपके रूम के अंदर बैठो जहां पर आप बैठे हो, या तो सामने वॉल के ऊपर ट्यूबलाइट है, या तो वहां पर किसी की फोटो लगी हुई है। क्या लगी हुई है भाई? आपके बचपन का फोटो लगा हुआ है डिंगले जैसा, बराबर, चड्डी पहनी है छोटी छोटी, वो फोटो लगा हुआ है, उसको आप देखो, यानी कि वो आपसे हाइट के ऊपर है, या तो आपके घोड़े के ऊपर फैन लगा हुआ है, उसको अगर आप देखो तो आपकी आई में से दो टाइप के रे निकलेंगे। मैं जो बोलू वो अच्छे से सुनना स्टूडेंट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे से हाइट के ऊपर हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे से हाइट के ऊपर हो, तो स्टूडेंट हमारी आई में से दो टाइप के रे निकलते हैं। एक रे ऐसा है, लाइक समझो कभी आपके रूम के अंदर सामने की वॉल के ऊपर ट्यूबलाइट है, आप ट्यूबलाइट को देखते हो तो आपकी आई में से दो टाइप के रे निकलेंगे। एक रे ऐसा है जो ट्यूबलाइट में से पास होता है, एक रे ऐसा है जो ट्यूबलाइट में से पास होता है, और दूसरा रे ऐसा निकलता है जो आपके नीचे जो अर्थ है, आपके नीचे जो अर्थ है वो अर्थ की सरफेस को बिल्कुल कैसा जाता है स्टूडेंट, पैरेलल जाता है। देखने का ट्राई मत करो गधे लोग, रे आपको दिखने वाले नहीं है, लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं भाई रे क्या है, भाई इमेजिनरी है, कभी कभी भी रे हमको दिखने वाले नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिंग करना है। यानी कि स्टूडेंट जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देखे, लाइक समझो ये इलेक्ट्रिक पोल है, क्या है भाई, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, केबल, आप यहां पर जमीन के ऊपर खड़े हो और यहां से ये इलेक्ट्रिक पोल को आप देखते हो, तो आपकी आई में से भगवान ने आपको जो बटाका दिया है वो आपका ये बटाका है भाई, ये आई में से क्या होते हैं भाई, दो टाइप के रे निकलते हैं, ये आपकी आई है, ये आई में से दो टाइप के रे निकलते हैं, एक रे है वो कहां से पास होता है भाई, ये ऑब्जेक्ट में से पास होता है, और दूसरा रे कैसा होता है भाई, ये नीचे हमारी अर्थ की सरफेस है, वो सरफेस को बिल्कुल कैसा होता है भाई, पैरेलल होता है, कैसा होता है भाई, पैरेलल, क्लियर, क्योंकि अभी मैं खड़ा हूं, मैं मेरे ऊपर फैन है, फैन को देखता हूं तो मेरी आई में से दो टाइप के रे निकलेंगे, एक रे कैसा जाएगा भाई, फैन में से पास होगा, बट दूसरा रे मैं जिसके ऊपर खड़ा हूं, हमारी जो धरती माता है यानी कि अर्थ है, अर्थ की सरफेस को बिल्कुल कैसा जाता है भाई, पैरेलल जाता है। तो स्टूडेंट ये जो ऑब्जेक्ट में से रे पास होता है वो रे को क्या बोलते हैं भाई, रे ऑफ विजन, और ये हमारी जो अर्थ की सरफेस को पैरेलल रे है उसको क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल रे, क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल रे बोलते हैं, क्लियर स्टूडेंट, कभी जो ऑब्जेक्ट में से पास हुआ उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं भाई, रे ऑफ विजन, और हमारी अर्थ की सरफेस को बिल्कुल पैरेलल होता है वो रे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल रे, बराबर है। ये जो पर्सन ये सारी चीजें देखता है मीन्स आप ऑब्जर्वर, क्या हो भाई, ऑब्जर्वर, कि भाई आप अपने रूम के अंदर अपनी बचपन की फोटो देखते हो, फिर बहुत सारे समय के बाद बचपन की भी फोटो देखोगे, बराबर है, बचपन और पचपन में बहुत बड़ा फर्क होता है, बराबर है, वो भी फोटो देखोगे, या तो आप ट्यूबलाइट को देखते हो या तो फैन को देखते हो, तो आपकी आई में से दो रे निकले, आप ऑब्जर्वर बन गए। एक रे कौन सा है भाई, यानी कि हमारे हाइपोटेन्यूज, यानी कि वो रे कौन सा है भाई, रे ऑफ विजन, और सेकंड कौन सा है भाई, हॉरिजॉन्टल रे। तो रे ऑफ विजन किसको बोलेंगे, तो
तो द रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर, द रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर एंड पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रे ऑफ विजन। रे जो ऑब्जर्वर की आई में से पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, और इसमें से पास होता है, वे ऑब्जेक्ट में से पास होता है, वो रे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रे ऑफ विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रे ऑफ विजन। कभी द रे ओरिजिनेटिंग, द रे ओरिजिनेटिंग, द रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर, एंड पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रे ऑफ विजन। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रे ऑफ विजन। आता है समझ में? कभी रे जो ऑब्जर्वर की आई में से निकलता है और इसमें से पास होता है भाई ऑब्जेक्ट में से, उसको क्या बोलते हैं भाई? रे ऑफ विजन। सेकंड नंबर स्टूडेंट, होरिजोंटल रे। होरिजोंटल रे किसको बोलेंगे? द रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर एंड पासिंग एंड पैरेलल टू सर्विस ऑफ द अर्थ। इज कॉल्ड होरिजोंटल रे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? समझ में आती है डेफिनेशन? कि भाई रे जो ऑब्जर्वर की आई में से पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है और ऑब्जेक्ट में से पास होता है, ऐसे रे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रे ऑफ विजन। सेकंड नंबर कौन सा है स्टूडेंट? होरिजोंटल रे, यानी कि रे जो क्या होता है भाई? ऑब्जर्वर की आई में से प्रोड्यूस होता है और हमारी अर्थ की सरफेस को बिल्कुल पैरेलल होता है। लाइक मैं जब ये पेन को देखूंगा तो मेरी आई में से दो टाइप के रे निकलेंगे। एक रे कहां से पास होगा भाई? ये पेन में से पास होगा। दूसरा रे कैसा होगा भाई? नीचे जो अर्थ की सरफेस है उसको बिल्कुल कैसा होगा भाई? पैरेलल होगा। तो जो ऑब्जेक्ट में से पास हुआ वो रे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रे ऑफ विजन। और जो अर्थ की सरफेस को पैरेलल है वो रे को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? होरिजोंटल रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? होरिजोंटल रे। क्लियर? ये दोनों क्लियर हो गए। अब आएगा स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन। खतरनाक वर्ड है सारे। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें भी समझ में नहीं आता है। कभी एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे? आपके पापा नया मकान बना रहे, बराबर है? नया मकान बनाते तो सबसे पहले वो क्या बनाते? मकान बन गया नीचे रूम तो रूम जैसी होती है, कोई हेक्सागोनल बनाता है, कोई पेंटागोनल। जनरली सारी रूमें हमारी स्क्वायर फॉर्म या तो रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है। रूम के अंदर फर्नीचर होते हैं तो हर एक के घर में कॉमन होता है। कोई इधर बेडरूम बनाता है, कोई उधर बनाता है, कोई पहले बनाता है, कोई पीछे बनाता है, कोई ऊपर बनाता है, वो कॉमन है। बट घर जो अच्छा दिखता है सबसे बढ़िया, आपके पप्पा या तो आपकी मम्मी या तो आपके दादा जो है वो इंटरेस्ट किसके अंदर लेते हैं? मकान के एलिवेशन में लेते हैं। कहां पर लेते हैं भाई?
अगर आगे का शो अच्छा आया तो मकान बहुत बढ़िया दिखता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एलिवेशन। तो समझो एलिवेशन किसको बोलेंगे, लाइक आप अपने सोफे के ऊपर बैठे हो, सामने वॉल के ऊपर ट्यूबलाइट है, तो क्या ट्यूबलाइट आपसे ऊपर है कि आपसे नीचे है, आंसर दो। आप सोफे के ऊपर बैठे हो, आप ट्यूबलाइट को देखते हो, वॉल के ऊपर है तो ट्यूबलाइट आपसे ऊपर है। सेम आप फैन को देखते हो, फैन आपसे ऊपर है। सेम एसी लगा है, एसी को आप देखो तो एसी आपसे कैसा है भाई, ऊपर है। यानी कि ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंडर में है, वो अगर ऑब्जर्वर से हाइट के ऊपर हो, अबव हो, लाइक आप ट्यूबलाइट को देखते हो, समझो ये ई आपकी ट्यूबलाइट है, बॉर्ड के ऊपर देखो, ये ई आपकी ट्यूबलाइट है, या तो फैन है या तो एसी है, और ये आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर, सी ऑब्जर्वर है। तो भाई ऑब्जेक्ट आपसे अबव है, हाइट के ऊपर है, तो ये दोनों रे के बिटवीन, यानी रे ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल रे के बिटवीन में जो एंगल बनता है, वो एंगल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे से हाइट के ऊपर हो, यानी कि आप इलेक्ट्रिक पोल को देखते हो, कोई ट्री को देखते हो, बराबर है, या तो लाइट हाउस को आप देखते हो, बिल्डिंग को आप देखते हो, तो आपसे हाइट के ऊपर होगे, वहां पर कौन सा वर्ड आएगा स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा वर्ड आएगा भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन। और सपोज आप उत्तरायण आ रही है 14 डेट को, ढाबे के ऊपर चढ़ गए, नीचे आपका दोस्त पतंग लूट रहा है, क्या कर रहे हैं भाई, पतंग लूट रहा है भाई, निष्ठा ढाबे के ऊपर चढ़ गए और वो खुशी झंडू लेकर नीचे पतंग लूटने के लिए आ गए, क्या लेकर भाई, झंडू, झंडू बोलते हैं ना, लेकर लूटते हैं, आप भी लूटते होंगे कि भाई निष्ठा ढाबे के ऊपर खड़ी है और वो खुशी नीचे झंडू लेकर पतंग लूटने के लिए आ गए, तो निष्ठा हाइट के ऊपर है, निष्ठा खुशी को देख रही, तो रे ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल रे के बिटवीन में जो एंगल बनेगा, क्योंकि खुशी खड्डे में है, या तो आप कोई टेकरे के ऊपर चढ़ गए, हिल के ऊपर चढ़ गए और नीचे ट्री है, उसको आप देखोगे तो वहां पर जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट आपसे हाइट के ऊपर हो, अच्छे से समझ लो, एलिवेशन कब होगा, आप बाहर निकल के अपने मकान को देखते हो, एलिवेशन ऊपर ही होता है, कभी ऐसा नहीं होता कभी नीचे तलिए में आपके पप्पा ने एलिवेशन बना दिया, कभी होता है ऐसा, एलिवेशन किधर होता है, ढाबे के ऊपर होता है, समझ गए, बाहर का शो होता है जिसको एलिवेशन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे से हाइट के ऊपर हो तो रे ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल रे के बिटवीन में जो एंगल बनेगा, वो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। और अगर ऑब्जेक्ट हमारे से बिलो होगा, नीचे होगा, कभी हम लोग टेकरे के ऊपर चढ़ गए डांस करने के लिए, भांगड़ा डांस करने के लिए, और नीचे खाई के अंदर, माइंस के अंदर कोई ट्री प्रेजेंट है, ट्री को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग हाइट के ऊपर है, या तो आप ढाबे के ऊपर चढ़ गए, नीचे आपके पप्पा की खटारा कार खड़ी है उसको आप देखते हो, या तो आप ढाबे के ऊपर चढ़ गए, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, नीचे कोई स्टोन पड़ा है उसको देख रहे हो, या तो आप ढाबे के ऊपर चढ़ गए और आपका लंगोटिया फैन नीचे पतंग लूट रहा है, बराबर झुपड़पट्टी के बच्चों की तरह, तो वहां पर जो एंगल बनेंगे वो कौन से बनेंगे स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, क्लियर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बनेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट, लिखता नहीं हूं मैंने, आप लोगों को सेंड कर दिए क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि आगे मुझे थियरी समझानी, इफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज एबव फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज एबव फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रे ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइक ए प्रेजेंट सिचुएशन में
यहां पर अगर कोई एंगल बनता है तो स्टूडेंट ये एंगल कौन सा है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आता है, देसी भाषा में बोले अगर ऑब्जेक्ट हमारे से हाइट के ऊपर है तो हमारे रे ऑफ विजन इसको दृष्टि किरण बोलते हैं, और होरिजोनटल रे ये दोनों के बिटवीन में जो एंगल बना, ये एंगल बना, वो एंगल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंगल सी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। सपोज आप क्या कर गए, धामे के ऊपर चढ़ गए, निष्ठा है बराबर है, और ये क्या है भाई, खुशी पतंग लूट रही है बराबर है। तो निष्ठा धामे के ऊपर से देखेगी तो ये हमारा क्या बनेगा भाई, रे ऑफ विजन। ये क्या बनेगा भाई हमारा, हॉरिजॉन्टल रे। बराबर है, ऐसे बनेगा। तो भाई ये इंसान नीचे खड़ा है, ये धामे के ऊपर खड़ा है, ये रे ऑफ विजन बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल रे बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से बिलो नीचे हो तो रे ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल रे के बिटवीन में जो एंगल बनता है वो एंगल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर एंगल बना थीटा, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई इफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, इफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज बिलो फ्रॉम ऑब्जर्वर। आप हिल के ऊपर चढ़ गए, नीचे ट्री को देख रहे हो, आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, नीचे स्टोन को देख रहे हो, आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, नीचे कार खड़ी है उसको देखते हो, आप इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर चढ़ गए, नीचे आपकी साइकिल खड़ी है उसको आप देखते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन आपसे बिलो हो, तो रे ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल रे के बिटवीन में जो एंगल बनेगा वो एंगल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी इफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज बिलो फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रे ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर सब स्टूडेंट, समझ में आया। एलिवेशन किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे से हाइट में हो तो रे ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल रे के बिटवीन में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे से बिलो हो, नीचे हो, तो ये रे ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल रे के बिटवीन में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट ये हमारी ओरिजिनल थियरी थी बराबर, हर एक टीचर इतना समझाता है और फिर समझाता भी होगा या नहीं भी मुझे पता नहीं है बराबर है, कुएं में होगा तो हवारे में आएगा बराबर, यहाँ पर तो कुएं खाली है बराबर है, मेरा कुआ तो बहुत भरा हुआ है, बहुत पानी है अंदर बराबर है, ये ओरिजिनल थियरी। बट सब कैसे करेंगे स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि भाई मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन किधर लेना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किधर लेना है। तो अब हम लोग इसके ऊपर से ये राज है, इसके ऊपर से पर्दा हटाएंगे। अब अच्छे से ध्यान रखोगे जब भी ये चैप्टर का सब आए, मैंने आपको ओरिजिनल थियरी समझा दी भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले तो रे ऑफ विजन किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रे किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं बराबर है, वो मैंने आपको समझा दिया। बट स्टूडेंट अब सम की बारी है, कभी पेपर में तो हमें सम करने हैं, तो सम कैसे करेंगे, तो सम के लिए क्या ध्यान रखेंगे, अगर आपने फिगर बना ली तो आपका सम एकदम इजीली हो जाएगा। तो स्टूडेंट
बाप के मम्मी पापा की कसम है। अब जो मैं थियरी सिखाने जा रहा हूं वो आप कभी भी किसी को नहीं सिखाओगे। देखो दुश्मन को कुछ ऐसे चैप्टर होते जिसमें पछाड़ना होता है, समझ गए ना। दुश्मनों को कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर हम लोग इजीली पछाड़ सकते हैं, यानी ये वाली चीजें। स्टूडेंट ये चैप्टर के अंदर कोई भी सम आए सबसे फर्स्ट आप लोग क्या बनाओगे, ये पूरे चैप्टर के अंदर हमारी जो फिगरें बनेगी वो सारी क्या बनेगी भाई, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगी और हम लोग ट्राइंगल एबीसी ही बनाए। क्लियर, पहले दिमाग में फिट कर लो पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अब आपको लिखना है भाई, समझ गए। अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं ये डुप्लीकेट, ये मेरी बनाई हुई मेथड है, इसलिए तो मैंने असाइनमेंट के अंदर भी नहीं भेजा है, समझ गए ना। तीन पॉइंट ऐसे है जिनको अगर आप अच्छे से दिमाग में फिट करोगे चैप्टर ओवर तीन पॉइंट के अंदर, और ये तीन पॉइंट नहीं समझे तो चैप्टर गया, इसलिए मैंने थियरी में नहीं लिखे भाई, दूसरे लोग भी सीख ले, मेरे बच्चे ही सीखने चाहिए। क्लियर, कोई भी सम आए क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन आए या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आए, मैं जो बोल वो सुन लो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, जो भी एंगल प्रेजेंट है वो एंगल आपको एंगल सी के ऊपर ही लेना है, समझ लो कि भाई एलिवेशन हो तो भी सी के ऊपर लेना है, डिप्रेशन हो तो भी सी के ऊपर ही लेना है। क्लियर, डिप्रेशन में क्या है, एक फॉर्मेलिटी करनी है, जब उसका सम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कौन सी आपको फॉर्मेलिटी करनी है, बट अभी से फिक्स हो गया कभी एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, भले कोई भी एंगल हो बनाएंगे तो क्या भाई हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, एबीसी, थीटा 30 डिग्री का एंगल आएगा, 45 का आएगा, 60, तीन ही एंगल आएंगे, जितने भी सम करोगे तीन ही एंगल 30, 45, 60, इसके सिवाय का कोई भी एंगल आने वाला नहीं है, और एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो एंगल आप लोग किधर लोगे, सी के ऊपर ही लोगे। स्टूडेंट आपकी स्कूल में चैप्टर न चला हो ना, अब आपका सर चला है तो पढ़ना मत, वरना मैं जो सिखाऊंगा वो आप भूल जाओगे और पेपर में घोटाले करोगे। आपकी स्कूल का सर चला है, ऑनलाइन लेक्चर हो वीडियो स्टार्ट करके रख देना, आप साइड में बैठ जाओ, सीखना मत वरना मेरी मेहनत पानी में जाए, समझ गए ना। वो ऐसा सिखाएगा ऐसे फंस जाओगे बाहर नहीं निकल पाओगे, यानी कि बाकी हो साइड में छोड़ देना है, फिर आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेबल है। कुछ लोग बोलते हैं ना डॉट डाय टाइप के बोलते हैं ना, जिनको अपने सर के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, दूसरे कुछ भी बोले डबले कुछ भी बोले उनके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, समझने वाले को सिर्फ इशारा काफी होता है। चलो तो क्या ध्यान में रखेंगे, एलिवेशन या डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर लेंगे भाई, एंगल सी के ऊपर। डिप्रेशन में थोड़ी फॉर्मेलिटी है, जब उसका सम आएगा तब हम लोग उसका यूज करेंगे। चलो स्टूडेंट ये थीटा हमने इधर लिया तो बीसी हमारी क्या बनेगी भाई, एडजस्टेंट साइड, आप फिगर बनाओगे और लिखोगे। ये एबी क्या बनेगी भाई, ऑपोजिट साइड क्या बनेगी, और ये हमारी क्या बनेगी भाई, हाइपोट्यूनियस, बराबर है। ये तो आपको पता होना चाहिए कभी एंगल सी के ऊपर थीटा लिया तो बीसी एडजेसेंट साइड बनेगी, पास ही नहीं बनेगी। एबी क्या बनेगी भाई, ऑपोजिट साइड, और एसी क्या बनेगी स्टूडेंट, आपकी हाइपोटेनस। अब सारा काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर ध्यान रखो, मैं तीन स्टेटमेंट बोलूंगा उनको अच्छे से दिमाग में फिट करना है, भले ग्रामेटिकल मिस्टेक हो भाई, मैं इंग्लिश का सर नहीं हूं, मुझे जैसा आता है वैसा मैं लिखता हूं, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो आप सुधार ले, बराबर है, हंसना मत,
ग्रामर नहीं आता है मुझे, उसमें क्या हुआ, मैं तो मैथ्स का सर कुछ भी लिख सकता हूँ, समझ गए ना, वो आपके ऊपर ग्रामर ग्रामर की मिस्टेक है, आपको सुधार। चलो स्टूडेंट वापिस आ जाते, सिर्फ गम्मत कर रहा हूं। फिगर आपने बनाई, कोई एक ही एंगल आपके पास प्रेजेंट होगा और कोई एक मेजरमेंट होगा। स्टूडेंट आपने फिगर बनाई, सपोज बीसी के ऊपर एट आ गया, आपको ये सम के अंदर तीन टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने, या तो साइन, या तो कॉस, या तो टेन। बहुत सारे सम 95% सम 10 यूज करने के आएंगे, बराबर है। 5% बचे उसके अंदर साइन या कॉस यूज करना पड़ेगा, तो पता चलना चाहिए कब साइन का यूज करेंगे, कब कॉस का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आपने फिगर बनाए, अगर एडजसेंट साइड की वैल्यू आपके पास है, आपने इधर वैल्यू रखी, अगर एडजसेंट साइड की वैल्यू आपके पास है, आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, या तो हाइपोटेन्यूस के ऊपर वैल्यू प्रेजेंट है और आपको एडजसेंट साइड फाइंड करनी है, तो आप कॉस का ही फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छे से सुनो, आपने फिगर बनाए, कोई वैल्यू है बीसी के ऊपर 5 आता है और आपको सम के अंदर हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ ऑफ लेडर, लेडर वाले सब मैंने आपको कराए, एसी लेडर ही होती है, बराबर, या तो रोप, तो रोप एसी होता है, कि भाई ये हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करनी है, या तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ आपके पास है और आपको बीसी फाइंड करना है, तो ऑलवेज किसका यूज करोगे, कॉस का फॉर्मूला यूज करोगे। यानी फर्स्ट नंबर ये स्टेटमेंट खास दिमाग में फिट करोगे, इफ द, आप ये लिखोगे इफ द वैल्यू ऑफ एडजसेंट साइड, एडजसेंट साइड इज गिवन, एंड टू फाइंड हाइपोटेन्यूस, यानी कि एडजसेंट साइड की वैल्यू को आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, और इफ द वैल्यू ऑफ, ये स्टेटमेंट किसी को मत बताना, इफ द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस इज गिवन एंड टू फाइंड एडजसेंट साइड, देन यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। यहां पर आपका फॉर्मूला कौन सा आएगा भाई, कॉस सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। समझ में आता है स्टेटमेंट में, अगर आपके पास, आपने फिगर बनाए, बी सी की वैल्यू है, आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, या तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है, आपको बीसी फाइंड करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मूला यूज करोगे, कॉस सी इज इक्वल टू बीसी अपॉन ए सी फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर स्टूडेंट, इफ द वैल्यू ऑफ एडजसेंट साइड इज गिवन एंड टू फाइंड हाइपोटेन्यूस, और इफ द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस इज गिवन और टू फाइंड एडजसेंट साइड, देन यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। आप कॉस का ही फॉर्मूला यूज करोगे। आज पूरे दिन में ये स्टेटमेंट 50 बार बोल जाने, समझ गए, तो आपका काम एकदम इजी, सब अपने आप सॉल्व हो जाए। क्लियर। सेकंड नंबर, इसमें दो वैल्यू याद रखिए, कॉस 30 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, और दूसरी कॉस 60
इज इक्वल टू 1/2। थीटा जो भी आएगा या तो 30 होगा या तो 60, इसके सिवाय का कॉस में थीटा नहीं आएगा। क्लियर, ये दो वैल्यू याद रखनी है। सेकंड नंबर, अगर आपको स्टूडेंट अगर आपको ऑपोजिट साइड की वैल्यू दी है और आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, या तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी है और आपको ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ साइन का फॉर्मूला यूज करोगे। समझ आता है? आपने फिगर बनाई, ईबी के ऊपर टेन है, थीटा तो इधर ही आने वाला है हमारा, हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करनी है, या तो हाइपोटेन्यूस के ऊपर टेन है और आपको ईबी फाइंड करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मूला यूज करोगे स्टूडेंट? साइन का फॉर्मूला यूज करोगे। और यहां पर साइन सी का फॉर्मूला क्या बनेगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस की एबी अपॉन एसी। क्लियर, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इफ द वैल्यू ऑफ, ये स्टेटमेंट ढूंढना कई बार नहीं दिए, मैंने खुद बनाए, समझ गए? इफ द वैल्यू ऑफ अपोजिट साइड इज गिवन एंड टू फाइंड हाइपोटेन्यूस और इफ द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस इज गिवन एंड टू फाइंड, ग्रामेटिकल मिस्टेक के मत निकालना, एंड टू फाइंड अपोजिट साइड देन यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। और क्या यूज करोगे? साइन सी इज इक्वल टू, क्या यूज करोगे? ए बी अपॉन ए सी। और इसमें भी दो वैल्यू याद रखोगे, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और दूसरी वैल्यू साइन 60 इज इक्वल टू 3/2। क्लियर स्टूडेंट, समझ आता है? ये स्टेटमेंट अगर दिमाग में फिट कर डाले, सम हो गया समझो। थर्ड नंबर, अगर आपको एडजेसेंट साइड की वैल्यू दी है और आपको ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है, यानी बीसी की वैल्यू आपके पास है, एबी आपको फाइंड करना है, या तो ऑपोजिट साइड की वैल्यू आपको दी है और आपको एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 का फॉर्मूला यूज करोगे। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट 10, तो भाई बीसी है, आपको ईबी फाइंड करना है, सब पढ़ोगे आपको पता चल ही जाएगा, जब सब आएंगे तब अच्छे से पीट पीट कर समझा दूंगा। क्लियर, अगर बीसी की वैल्यू आपके पास है, ईबी फाइंड करना है, या तो ईबी की वैल्यू आपके पास है, बीसी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला सिर्फ किसका यूज करोगे? 10 का यूज करोगे, यानी कि 10C इज इक्वल टू ईबी अपॉन बीसी फॉर्मूला है। क्लियर स्टूडेंट, तो थर्ड नंबर स्टेटमेंट कौन सा हमारा? इफ द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट साइड इज गिवन एंड टू फाइंड ऑपोजिट साइड और इफ द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट साइड
is given and to find adjacent side then use the formula of tan theta और स्टूडेंट tan theta का फॉर्मूला क्या आएगा भाई tan c ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हर बार यही फॉर्मूला रखना है AB अपॉन BC इसमें तीन वैल्यू याद रखोगे tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 tan 45 आए स्टूडेंट tan का यूज करना हो 45 एंगल आए तो डांस करना है बेंचेस के ऊपर चढ़ के डांस कर लेना है फिर बैक जा रहे हैं क्यों डांस करना है सम आएंगे तब बताऊंगा tan 45 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि विदाउट सम करे बगैर आपको ओरली आंसर आता होगा समझ गए वो बताऊंगा इसलिए जब भी tan 45 आए बेंच के ऊपर चढ़ जाना है बिल्कुल डांस करना है भांगड़ा डांस करना है फिर नीचे बैठ जाना है टीचर पूछे तो कुछ नहीं टीचर थोड़ी खुजली आ गई थी इसलिए डांस कर लिया और थर्ड याद रखोगे tan 60 इज इक्वल टू रूट 3 इसमें कंपल्सरी आपको तीन वैल्यू तीन नहीं मैं तो बोलता हूँ एक ही याद रखनी पड़ेगी tan 45 तो 1 होता है ये दोनों में से किसी एक को याद रख लो tan 30 याद रखो 1 अपॉन रूट 3 तो 60 होगा कितना भाई रूट 3 या तो tan 60 को याद रखो रूट 3 तो tan 30 कितना होगा भाई 1 अपॉन रूट 3 क्लियर स्टूडेंट अगर ये स्टेटमेंट आपने दिमाग में पेंट कर दी एच स्टेटमेंट आपको 5 बार लिख कर मुझे सेंड करना है क्लियर एच स्टेटमेंट 5 बार होमवर्क में लिखना है ये अगर आपने फिट कर दिया तो सम के धजिए उड़ जाए क्या उड़ जाएंगे भाई बिल्कुल धजिए उड़ जाए बोलो समझ में आए स्टेटमेंट फिर से फिगर आपने बना दी थीटा एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो रखना किधर है सी के ऊपर ही रखना है कहां पर रखना है भाई सी के ऊपर अपने वैल्यू रखिए अगर एडजेसेंट साइड की वैल्यू आपके पास है बीसी आपके पास है एसी फाइंड करना है या तो एसी आपके पास है बीसी फाइंड करना है तो किसका यूज करोगे कॉस का फॉर्मूला यूज करोगे सेकंड नंबर ए बी आपके पास है एसी आपको फाइंड करना है या तो एसी आपके पास है एबी आपको फाइंड करना है तो किसका यूज करोगे साइन साइन सी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी थर्ड नंबर बीसी आपके पास है एबी फाइंड करना है या तो एबी आपके पास है बीसी फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज नहीं करने तो सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मूला यूज करोगे टेन और स्टूडेंट ये चैप्टर में 95 नहीं 99% सब ऐसे जिसमें आपको टेन का फॉर्मूला यूज करना है इसका फॉर्मूला यूज करना है टेन का फॉर्मूला यूज करना है बट आज यहां पर जो थियरी थी ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिख कर नहीं दिए थियरी क्योंकि ये तीन चैप्टर के ऊपर ये तीन स्टेटमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है आप कहीं पर भी ढूंढ सकते हो मिले तो मुझे बताना ये मैंने अपने आप से बनाया मेरे स्टूडेंट के लिए बनाया सो आपसे एक रिक्वेस्ट है किसी को ये सिखाओगे नहीं क्योंकि हर किसी को ये चैप्टर नहीं आता आप पूछ सकते हो अपने दोस्त को जो दूसरी जगह के ऊपर दूसरे टीचर के पास पढ़ता है उसको पूछना तेरे को कौन सा चैप्टर टफ लगता है वो यही बोलेगा कभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है मेरे डबले स्टूडेंट को भी इसके सम आ जाते है दूसरों के होशियार को भी पसीने पड़ जाते हैं समझ गए ना इसलिए मेहरबानी है आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है किसी को भी ये तीन स्टेटमेंट कभी भी नहीं बताओ ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए बनाए चलो बहुत सारे लोग डेली फरमाइश करते हैं कि सर आपके वीडियो के अंदर जॉक बंद हो गए चलो आगे एक जॉक सुना देते हैं कभी एक बार हेमल की शादी हो गई इमेजिन करो सिर्फ कभी हेमल की शादी हो गई मिया और बीबी बहुत खुश है अपनी लाइफ के अंदर बट जनरली क्या होती है भाई ऑलवेज वाइफ से हस्बैंड डरता ही है एक मिस कॉल के ऊपर वो घर पे आ जाता है धनाधन आप देखते होंगे घर में
देखते हो ना, भले आपके पापा कितने खतरनाक हो, मम्मी का फोन गया डर करते घर आ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, हेमल की शादी हो गई, घर के अंदर पानी पूरी का प्रोग्राम बना है, बराबर है। अब मिया और बीबी दोनों खाने के लिए बैठे, बराबर है, हेमल और उसका घर वाला दोनों खाने के लिए बैठे, पानी पूरी खा रहे थे। वैसे आपने देखा हो आपके पप्पा हो गए, पानी पूरी का जब आपके घर में प्रोग्राम होगा बेचारे 10-12 खा के क्या कर देते हैं भाई, खत्म कर देते, क्योंकि हम लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगती है। बट मैंने देखा है लेडीज लोग तो पानी भी पी जाती है लास्ट में, बांट के भर भर के, बराबर है। तो पानी पूरी बनाई, हेमल के घर वाले ने 12-15 खा ली और हेमल ने 400 खा ली। कितनी खा ली? 40। तो गुजराती में जाइए तो मजा आवशे। तो हेमले 40 खा दी, पछे घर वाला कीधु के मैं 40 पानी पूरी खा दी, हजू मने खावानी बहु इच्छा छे। एरा घरवाड़े शू कीधु? आप बोलो बिचारो गुजराती में, नागण खाई ले, नागण खाई ले। हेमल तो खी जाए, सारा मुझे नागिन बोल रहा है, डी साथ मोती मिली शू कहवा रसा वाली पेला मसाला वाली छुट्टी भुलाई, घरवाड़ा ऊपर पड़ी, बिचारो पानी ऊपर आई गयो, मसालो आई गयो, आम आम कहीं चाटवा मड्यो। पछी पेलाए कीधु, अरे वांदरी हूँ तने एम नथी करती कहतो, हूँ एम कहू छु ना घर या के डोंट काउंट, तो भाई गणीश ने काउंट ना कर, जे खायो है बचड़ी ले। समझ आया कि नहीं आया? गुजराती लैंग्वेज हमारी ऐसी।